देखो दादा चाय बना रहे भैया, पूरा आग लगा के। और आज गांधी जी इधर है, लोकेशन चेंज करके इनसे डेली मिलता हूँ मैं। प्रोग्राम और कितना लंबा होने वाला है, क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। सो दोस्तों, ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाला है, आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट लेवल का बस्तर कल्चर का अनोखा दर्शन होने वाला है, मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं आज का बस्तर दशहरा, यानी कि बस्तर दशहरा में होने वाला डिफरेंट टाइप का कल्चर का प्रोग्राम। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल की ब्लॉग को शुरू करते हैं। लाइट तो काफी बेहतरीन लगा है, मजा आएगा ना वीडियो। अलग अलग जगह अलग अलग इवेंट हो रही है, तो हम अलग अलग इवेंट की सब इवेंट को देखते हैं, उसके बाद एक एक इवेंट को कवर करेंगे। पहले इधर जाकर देखते हैं क्या। अरे आते दोस्तों, देख सकते हो आसपास का चहल पहल कितना खूबसूरत लग रहा है, और पूरी तरफ जो है एकदम लोगों में उत्साह पूर्व देखने की है, और सभी लोग देख रहे हैं, है ना। और ये अलग अलग जो प्रदर्शनी लगी हुई है यहाँ, मतलब अलग अलग वुडन की जो सामान है यहीं पे है, और अलग अलग प्रदर्शनी लगा हुआ है, और उधर कुछ अलग चीज शो हो रहा है। तो आसपास का नज़ारा देख सकते हो कितना खूबसूरत सा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है विजिट करके। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वुड की अलग अलग डिज़ाइन देख सकते हो, पूरा लाइन से बनी हुई है। मैं यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक दिखाऊँगा सकते हो। ये पूरा दोस्तों हाथी बैल, तो यहाँ पे देखते हैं। पूरा ना तो दोस्तों, जितना मटेरियल दिख रहा है ये पूरा पीतल का, वहाँ पूरा आसपास का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर ब्यूटी है, देखने को तो मज़ा आ रहा है। ऊपर देखो क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों इन्हें सजाया गया है, मुझे तो काफ़ी मस्त लग रही है। ये देखो लाइटिंग में देखो भाई, वो अमेजिंग, वाओ दैट्स ग्रेट। कार्यक्रम हो रहा था ना वहाँ पे, वो वाला कनेक्ट है इस पे, तो इसमें शो कर रहा है वहाँ की कार्यक्रम, है ना। ये वाला इधर डिजिटल तो दिख रहा है, मैं सोच रहा था वहाँ जो कैमरा लगा है वो अलग अलग चीज़ को दिखा रहा होगा, लेकिन जो सामने जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे दिख रहा है। और आप लोगों को मैं यहाँ का देखो, इधर बाजू में चाट फूड भी है जो लोग खाना चाहते हैं। कार्यक्रम शायद यहीं पे होगा, और इधर होना नहीं चाहिए, फिर भी देखते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि डेली जो सीन होता है दोस्तों, अलग अलग व्यू अलग अलग जो क्या कनेक्चर देखने को मिलती है, आप लोग को दिखाते हैं सुंदर ब्यूटी, उसके साथ साथ काफ़ी बेहतरीन नज़ारा और बस्तर कल्चर भी देखने को मिलेगी। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। बस्तर की ईश्वरी देवी माँ दंतेश्वरी टेम्पल के सामने जस्ट खड़े हैं, हालांकि हर चीज़ यहीं से शुरू होती है। ज़्यादा क्या कहना चाहिए, ये बच्चों की जो सामान ज़्यादा लगी हुई है, देखो दादा चाय बना रहे भैया, पूरा आग लगा के। और आज गांधी जी इधर है, लोकेशन चेंज करके इनसे डेली मिलता हूँ मैं। यहाँ तो फुल आदिवासी कल्चर देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे यार, यहाँ खड़े होने के लिए कुछ होएगा तब ना दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पे कुछ लिखी नहीं है तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अरे अंदर जाने, तो ये जो वेशभूषा देख रहे हैं आप, ये क्या है बस्तर के, क्या कहना चाहिए, हल्दी बोल के बोली होती है जो बस्तर में चलती है, वहीं पे उसी भाषा में डांस होनी है। ये देख सकते हो, देखिए बहुत सुंदर, you
अभी अपना क्या कहना चाहिए डांस परफॉर्मेंस देने वाले, ये है कोंडा गांव वाले, और मैंने कोंडा गांव के ऊपर दोस्तों 2 या 3 वीडियो बना रखी है, इसके बाद उसको भी देख लेना। अलग अलग जो समुदाय का जो डांस होगा वो देखने को मिलेगी, तो हर एक समुदाय का अगर सिंगल सिंगल वीडियो बनाया जाए तो 5-5 मिनट से ज़्यादा निकलेगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि सभी समुदाय का एक एक सिंगल सिंगल वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आप लोग कमेंट करना कि सभी समुदाय का सिंगल सिंगल वीडियो होना चाहिए, नहीं तो मैं सभी का एक जगह कॉम्बो करूँगा। ठीक, हर नृत्य के बाद जो है ना जितने भी नृत्य हो रहा है अलग अलग समाज का, उसके बाद फोटोग्राफी हो रहा है, शायद इसको म्यूजियम में रख सकते हैं फोटोग्राफी करके। अधिकतर देखे होंगे आपने म्यूजियम में जो है अलग अलग कला का जो फोटोग्राफी होता है वो लोग काफ़ी सजो के रखते हैं, तो शायद इसी वजह से हर नृत्य के बाद फोटोग्राफी हो रहा है, पहले नहीं, पहले डांस हो रही है। एक से एक खूबसूरत नृत्य देखने मिल रहा है सुकमा जिला का, आप लोग को देखने को मिले। जितना भी गाना आपने देखा तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर भी ना मत जाना, क्योंकि ये काफी सुंदर सुंदर अलग अलग दृश्य ये दशहरा के सीजन में ही देखने को मिलेगा। राम सरगी पाल गाय का और ये भी पर्व नाचा है। शहरा के मुखियों की आदत काफी देर हो चुका है और आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा, चलते हैं और चलेंगे सब फोटोग्राफी कर रहे हैं आजू बाजू, यही सब कार्यक्रम था सामाजिक वाला। 10 बज गया दोस्तों और बहुत मजा आया, और आप लोगों ने भी आए हो तो आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा।